हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एंड ट्रू रिव्यूज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना सिग्नेचर कंपनी का ब्लैंकेट घर पर कैसे क्लीन करते हैं उसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। वैसे आपके पास कोई भी कंपनी का ब्लैंकेट हो, आप उसे इस तरीके से घर पर धो सकती हैं, जिससे आपका मनी तो सेव होगा ही, साथ ही जो घर पर वॉश करके क्लीनलीनेस आती है वो लॉन्ड्री में देकर वैसी क्लीनलीनेस नहीं आती है। गाइस, ब्लैंकेट अच्छे से धुल जाए और एकदम नया जैसा लगे, इसके लिए दो चीज़ सबसे ज़रूरी है, एक तो गर्म पानी और दूसरा लिक्विड डिटर्जेंट। अगर आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट नहीं है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए सारा पाउडर पानी में अच्छे से घुल जाए और थोड़ा भी पाउडर रहना नहीं चाहिए। तो आप कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करोगे? हम यूज़ करेंगे क्या क्वांटिटी है इसकी, कितनी क्वांटिटी डालनी है? क्वांटिटी तो मैं बहुत कम डालूंगा, क्योंकि ये कम्बल होगा उसमें से साबुन निकालना बहुत टफ हो जाएगा, तो मैं सिर्फ हाफ भी हाफ डाल रहा हूँ बस। देखिए इतना ही, देखिए हाफ। पानी कैसा है ये? पानी का पानी गुनगुना पानी है, दोनों है, मतलब मैंने दोनों यूज कर रहा हूँ ना, आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो है वो वार्म वाटर है, ये मैंने पूरा खोल दिया, साथ में साथ ये कोल्ड वाटर भी खोल दिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है पानी। तो ये ठीक ही लग रहा है, मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा लग रहा है मेरे को कि अच्छे से, क्योंकि जनरली हम एक साल से एक बार आप धोते हैं, लॉकडाउन की वजह से घर में धोना पड़ रहा है, तो इसके बाद मैं इसको झाग बना लूंगा ताकि अच्छे से मिल जाए ये जो लिक्विड वो है इजी। थोड़ा सा मैं इसको गर्म ही रखूंगा क्योंकि गर्म से एकदम उसका जो डस्ट है वो जल्दी निकलेगा, तो अभी मैंने गर्म ही है, गर्म में मैं थोड़ा सा गर्म पानी ही रखूंगा थोड़ा सा, जिससे कि जल्दी जल्दी निकल जाए डस्ट एंड इम्प्योरिटीज जो भी इसमें बैठी है। तो जो है कितने वाला ऐसा होता है कि मतलब भाई मैंने इतना देखा है, मैं इसको भरूंगा तब तक का मैं कंबल और वो ले आता हूँ बाकी की चीजें। गंदगी कितनी निकल रही है, बहुत ही ज्यादा, इवन देखिए पानी भी ब्लैक हो गया है, इतनी ज्यादा गंदगी निकल रही है। हाँ यार देखिए पूरा डस्ट डर्ट, जबकि ये ब्लैंकेट ऐसा नहीं कि बहुत डार्क कलर का है कि इसमें दिखेगा नहीं, लाइट कलर का है, फिर भी देखिए इसमें गंदगी नहीं दिखती, और अभी हम धो रहे हैं ना तो तब पता चल रहा है कि कितना गंदा हो चुका था। ये लाइट कलर के ब्लैंकेट में भी नहीं दिख रहा है, मिंक ब्लैंकेट है ये डबल बेड का। मम्मी पापा दो बच्चे आराम से इसको ओढ़ के सो सकते हैं। एक्चुअली मेरा टब काफी बड़ा है तो उस वजह से काफी हेल्पफुल हो रहा है हमें साफ करने के लिए, अदरवाइज अगर ये छोटा टब होता ना तो उसमें पॉसिबल नहीं होता इसको इतनी अच्छे से क्लीन करना। काफी हैवी ब्लैंकेट है तो हाथ थक जाते हैं, तो पैड का यूज करके उसको क्लीन कर रहे हैं। देखिए कितना गंदगी निकल रही है इसके ब्लैंकेट से, कि वाटर का कलर देखिए कैसा हो गया। So, अब जो असली चीजें वो अब आएगी जब भीगा हुआ मिंक ब्लैंकेट डबल साइज का जब हम उसको उठाएंगे तो ये ऐसा लगता है एक हाथी को उठा रहे हैं, ब्लैंकेट नहीं एक हाथी है। देखिए पानी कितना गंदा हो चुका है, कितनी गंदगी है इस पानी में, देखा फ्रेंड्स, देखा आपने ये पूरा गंदा पानी है। जबकि लास्ट के लिए इसको हमने ड्राई क्लीन कर दिया, पता नहीं क्या करते हैं, साफ करते हैं ड्राई, पता नहीं, वही मैं भी सोचती क्या साफ करते ड्राई क्लीन वाले, सिर्फ ये विंटर में क्लीन होता है, बताइए विंटर में थोड़ी यूज होता है।
ये दूसरी बार हम साफ कर रहे हैं, ये साफ पानी है और देखिए ये साफ पानी भी कैसे गंदा हो गया है। पाँच या छह बार आपको धोना पड़ेगा इसको साबुन अच्छे से जब जमीन काम हो गए ताकि भूल है। थोड़ी देर चलाऊं तो तोड़ गया बेटा। काफी सभी सही हो गया ना पानी है। पानी पहले की कंपेरिजन काफी क्लीन हो गया है, यानी ब्लैंकेट भी हमारा क्लीन हो रहा है। पहले की कंपेरिजन पानी का कलर चेंज हो गया है क्या? ये साबुन पानी डाल दो। तो फ्रेंड्स हम लास्ट में डिटॉल या फिर सेवलॉन डाल रहे हैं, आपके वहां जो होगा आप वो डाल सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वीक ईयर में एक बार आपका मिंक ब्लैंकेट घर में घुलता है तो आपके इलाज में जरूर आना चाहिए जिससे जर्म्स भी मर जाए, सैनिटाइज भी हो जाए। कोरोना वायरस ऑलरेडी चल रहा है आपको मालूम है। तो अभी हम डिटॉल के पानी में सेवलॉन के पानी में डाल के कर रहे हैं। अभी तब भी काफ़ी क्लियर पानी है कंपेयर टू प्रीवियस पानी देखिए। देखिए फ्रेंड्स कैसे कर रहे हैं, वाले कैसे कर रहे हैं हो गया सब देख। हाँ क्लीन हो गया पानी। लास्ट है फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा कंबल क्लीन हो गया है और वो क्लीन हो गया है। हाँ अब हम धूप में डाल देंगे इसको। पकड़ो तुम इसको दूर पीछे बैठो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ब्लैंकेट हमने एकदम क्लीन कर दिया है और जो उसका पानी है ना बिल्कुल निचोड़ दिया है हमने, निकाल दिया है जैसे वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है। अब मैं इसको धूप में सुखाने जाऊंगी, उसके बाद देखिए ब्लैंकेट का कलर कितना निखर के आता है एकदम क्लीन होके। इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मेरे अदर वीडियोज़ को भी एक्सप्लोर कीजिए, मैं बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच देम। थैंक यू, बाय, टेक केयर।